अब हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी से हमारा जो केमिस्ट्री है उसे ज्यादा अच्छे से समझने में मदद मिली, मॉलिक्यूल्स को ज्यादा अच्छे से समझने में मदद मिली, उनके बिहेवियर, उनके शेप को समझने में मदद मिली। तो बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड तो एक छोटी सी बात है, अगर आप कहें तो बॉन्ड को आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट इज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू एटम्स विच होल्ड्स देम टू वन स्पीशी। इट इज अट्रैक्शन फोर्स, सम अट्रैक्शन फोर्स दैट होल्ड्स टू एटम्स टू फॉर्म है, टू और मोर एटम्स टू फॉर्म है केमिकल स्पीशी। दिस अट्रैक्शन फोर्स इज बेसिकली ए केमिकल बॉन्ड। ऑब्वियसली रीजन बिहाइंड ऑल द बॉन्ड्स इज द अट्रैक्शन, बट दिस इज नॉट द स्टोरी, इट इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी। हमें जो पढ़ना है वह क्या है, जो थ्योरीज है, कौशल लेविस थ्योरी जिसे हम कहते हैं, लेविस स्ट्रक्चर जिस पर बेस्ड है, कौशल लेविस अप्रोच जिसे कहते हैं हम, उसके बाद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहा जाता है। इसके बाद डेवलप हुआ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड द लास्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दैट इज इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड MOT। लेकिन मैं आपको बता दूं, कौशल लेविस थ्योरी जो आपका JEE सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्टार्टअप के लिए बिल्कुल ठीक है, जिससे हम समझ सकते हैं, AIEEE AIPMT सिलेबस में जरूर है, जो लेविस स्ट्रक्चर को वहां से समझने में मदद मिलती है। कौशल लेविस की जो अप्रोच थी वह इंडिपेंडेंट थी और नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन पर बेस्ड थी। नोबल गैसेस जो होती है आप देख सकते हैं, जैसे नियॉन, नियॉन का स्ट्रक्चर हम जानते हैं, 1s2 2s2 2p6 होता है, यहां 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में आप देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, n इज इक्वल टू 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 जो है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होगा, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो नियॉन स्टेबल है क्योंकि इसका ऑक्टेट है कंप्लीट। इसी तरह से नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, यह सभी स्टेबल गैसेस है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मेंटेन करती है, नोबल गैसेस है। तो कौशल लेविस की जो अप्रोच थी उनके अकॉर्डिंग सभी मॉलिक्यूल्स जो है वह, सभी एटम्स जो है वो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में कुछ इस तरह से शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस तरह से करते हैं कि वो नियॉन या इस तरह की गैसेस की तरह ऑक्टेट पूरा कर ले। इसे ऑक्टेट कहा गया था, ऑक्टेट मतलब स्टेबल आउटर 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसे ऑक्टेट कहा जा रहा है, क्योंकि लास्ट जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, वो स्टेबल स्ट्रक्चर की तरह होता है नोबल गैसेस में। तो इस तरह का स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए हर एटम कोशिश करता है, यह उनका पॉस्टुलेट था और इसे बड़ी आसानी से समझा भी जा सकता है। लेकिन लेविस जो सिंबल्स थे उसे आप समझिए, उसी के बेस पर हम इसे समझेंगे। इसे लेविस सिंबल के अकॉर्डिंग उन्होंने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है केवल उन्हें डॉट की तरह रिप्रेजेंट किया, जैसे लिथियम। लेकिन लिथियम बेरिलियम को अगर आप, और बोरॉन को यदि आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कहानी चालू होती है कार्बन से, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद नाइट्रोजन में जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होगा, और ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं किस तरह से एक्सप्लेन किया था ये सब कुछ। तो लेविस ने NaCl के स्ट्रक्चर को किस तरह से एक्सप्लेन किया, आप इसे देखिए। लेविस ने NaCl के बारे में कहा था कि Na का जो आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन है वह लूज हो जाता है और क्लोरीन उसे अडॉप्ट कर लेता है, तो इस तरह से Na के लिए केवल अब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो नियॉन का स्ट्रक्चर जो है उसका स्ट्रक्चर नियॉन की तरह हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हो जाएगा, क्योंकि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल था 3s1 था सोडियम के केस में, अब सोडियम का स्ट्रक्चर आप देखें तो 1s2 2s2 2p6 होगा, यह 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होंगे, 3s1 इलेक्ट्रॉन जो था वह चले गया है,
और क्लोरीन के पास अगर आप देखें, नाउ क्लोरीन हैज गॉट द ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, और क्लोरीन का स्ट्रक्चर जो होगा वह 3s2 3p6 हो जाएगा, हालांकि उसके पहले भी 1s2 2s2 2p6 होगा, तो उस 1s2 2s2 2p6 को इन शॉर्ट नियॉन कहा जाता है इस तरह से। तो यह स्ट्रक्चर जो है, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो नोबल गैस की तरह हो गया और ऑर्गन की तरह हो गया। ऑर्गन इज द नोबल गैस जस्ट नियर बाय क्लोरीन इन द पीरियोडिक टेबल। और यहीं पर कौशल जो अप्रोच था, उन्होंने कहा था कि ऑक्टेट तो पूरा हो जाएगा इस तरह से, और पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे के पास में रहेंगे, और इस तरह के बॉन्ड को वैसे अब हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो कौशल ने दूसरे एटम्स को भी एक्सप्लेन किया था, जिस तरह से आप देखें CaF2, जहां कैल्शियम +2 आयन है और 2 F- आयन होंगे यहां पर उसके पास। तो कैल्शियम का स्ट्रक्चर अब ऑर्गन की तरह हो जाएगा और फ्लोरीन का स्ट्रक्चर नियॉन। तो इस तरह से कौशल के अकॉर्डिंग अब जो है कैल्शियम प्लस आयन और F- आयन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ऑब्वियसली एक बॉन्ड में हमें क्या चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस के बीच अट्रैक्शन तो होता ही है। तो इस तरह के बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहा गया था। लेकिन कौशल का अप्रोच बड़ा सिंपल था, सभी जगह आप इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते थे, और लेविस ने इसलिए कहा था कि जिस तरह से ClCl बॉन्ड बन रहा है, तो ClCl बॉन्ड में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों सेम एटम है, जबकि यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस था। यह बात बिल्कुल क्लियर थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस था और यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए लेविस ने बताया था कि यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। इनफैक्ट लेविस जो स्ट्रक्चर है उसको लैंगम्यूर, आई थिंक इट इज चाइल्ड लैंगम्यूर, उन्होंने इसे और अच्छे से डिस्क्राइब किया था। उन्होंने कहा था कि यह एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहा उन्होंने, ही गिव दिस नेम ऑफ दिस बॉन्ड एज द कोवेलेंट बॉन्ड। तो लेविस ने कहा था कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। उन्होंने कहा था कि एक क्लोरीन एटम, जिसे हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बताते हैं, दिस इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में आप देखिए 7 इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस क्लोरीन, नाउ दिस क्लोरीन ऑल्सो हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स, नाउ दिस क्लोरीन हैव ऑल्सो 1 इलेक्ट्रॉन, नाउ दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय दिस बोथ, दैट मीन्स। तो यहां पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, आप देखिए यह 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। शेयरिंग का बड़ा फायदा है, शेयरिंग में यह हो रहा है कि 2 क्लोरीन की यह है, 2 इस क्लोरीन की यह है, 2 इस क्लोरीन की यह है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और यह 2 शेयर हुए हैं, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है। ऑब्वियसली अगर आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स को देखें तो यहां शेयरिंग का मतलब यह है कि दोनों एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। एक बॉन्ड ऐसा भी होता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक प्रोवाइड करता है, लेकिन लेविस की टाइम पर वो कंसेप्ट नहीं था, लेविस ने सभी को कोवेलेंट बॉन्ड की तरह यहां पर ट्रीट किया है। तो देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट दोनों ने शेयर किया है। इसी तरह से अगर आप वाटर मॉलिक्यूल का देखें तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरह से, और हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग होगी। तो यहां पर आप देखें यह एक पैर हो गई, यह पैर हो गई। हाइड्रोजन के लिए ऑब्वियसली डबलेट होगा, नॉट ऑक्टेट, तो डुप्लेट क्रिएट हो गया, ऑक्सीजन को भी एक पैर मिल गया, तो उसका भी फर्स्ट ऑर्बिटल जो है वह कंप्लीट हो गया, तो उसने भी हीलियम जैसा अपना स्ट्रक्चर अटेन कर लिया। तो इस तरह के स्ट्रक्चर से बहुत मदद मिली केमिस्ट्री में, लेविस ऑक्टेट रूल जो है काफी इंपॉर्टेंट रहा है और इससे काफी एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को समझने में मदद मिली। अगर हम CO को देखें, कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, तो यहां पर ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां हैं, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स ही हैं सारे। और कार्बन के अगर हम देखें तो कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बन। तो यहां 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, मैंने कहा था एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन, अब यहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी पॉसिबल है। तो आप देखिए यह चारों ऑक्सीजन के भी हैं
और यह चारों कार्बन के भी है, इसी तरह से यह चार कार्बन की एरिया में भी आ गए और ऑक्सीजन के भी हो गए। अगर हम इसे लेविस स्ट्रक्चर को देखें तो किस तरह से होगा देखते हैं। अगर लेविस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के हो गए पूरे 8 ऑक्टेट और ऑक्सीजन के भी हो जाएंगे इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से इस साइड से आप देखें तो ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस जोन में देखे थे कार्बन के 8, इस जोन में देखे थे ऑक्सीजन के 8, इस जोन में देखे थे इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बजाय इस तरह के स्ट्रक्चर के एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है जो हम हमेशा यूज करेंगे। तो बॉन्ड जो है यहां पर डबल बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड इधर भी है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड इधर भी है, तो हम इसे दो डंडों से शो करेंगे। एक यह मतलब दो इलेक्ट्रॉन, यह मतलब दो इलेक्ट्रॉन, यह मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन की पेयर, ऑब्वियसली दो इलेक्ट्रॉन, और दिस इज ऑल्सो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 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 और ऑक्सीजन यहां है, ऑक्सीजन यहां है। अब जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं लोन पेयर कही जाती है, दिस इज लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड लोन पेयर दैट डिड नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग एंड दिस इज द बॉन्ड पेयर। दिस इज वेरी क्लियर, दिस इज बॉन्ड पेयर, दिस इज बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर हो जाएंगे आपकी यहां पर, दो इलेक्ट्रॉन्स की एक जोड़ी को पेयर कह रहे हैं हम, दिस इज लोन पेयर, दिस इज ऑल्सो लोन पेयर, बट दीज आर द बॉन्ड पेयर, दिस इज द बॉन्ड पेयर। तो देखते हैं और बॉन्ड्स को, लेविस स्ट्रक्चर देखते हैं हम और उसको और अच्छे समझने की कोशिश करते। इन कोवेलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम आर शेयर्ड विद बिटवीन टू एटम। इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम शेयर नहीं होते हैं, नन ऑफ द वो पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नॉट ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड इन कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज ट्रू, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, इक्वली शेयर्ड। विच वन इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, BCl3, बिकॉज वी नो ICl आयोडीन क्लोराइड इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, 7-7 इलेक्ट्रॉन्स है दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया है। NS3 5 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है तो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। PCl5 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, Cl के भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, लेकिन बोरॉन के लास्ट ऑर्बिट में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनके साथ क्लोरीन की शेयरिंग हो रही है। तो यू सी दैट देयर इज नो कंप्लीट ऑक्टेट, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। सो BCl3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड अकॉर्डिंग टू लेविस रूल, अकॉर्डिंग टू लेविस रूल, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो हम और भी मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं लेविस के अकॉर्डिंग, अगर आप देखें तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है। अगर आप एसिटिलीन को देखें तो यहां कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा आपको, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, दो कार्बन एटम्स के बीच में आप अगर देखें तो इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है और इस तरह से इस कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा हो रहा है, हाइड्रोजन का डबलेट डुप्लीकेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का वहां पर डबल हो रहा है। अगर आप इसे और अच्छे तरह से डिनोट करना चाहते हैं या यूं कहे कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यह बड़ा अच्छा तरीका है कि आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह सिर्फ एक बार लगा दें, तीन पेयर है यहां पर, तीन बार लग गए, तीन डंडे लग गए। तो लेविस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना बड़ा आसान है, उसके लिए सिंपल से स्टेप है, हमें अकाउंट करना होगा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टू अकाउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और उन्हें ड्रॉ करना होगा, किस तरह के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर आयन्स हो तो हमें लिखना चाहिए फॉर आयन्स, फॉर आयन्स एड और सब्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल सी बात है, अगर हम NH4 के स्ट्रक्चर को देखें
तो NH4 जो है उसमें सेंट्रल है हमारा, सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमें कम लिखना चाहिए, हमें यहां सब्ट्रैक्ट करना होगा इलेक्ट्रॉन्स को। और H4 तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ऑक्टेट पूरा करना बड़ा आसान है, अल्टीमेट एम जो है वो ऑक्टेट पूरा करना है, तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इससे आप इस तरह से लिख सकते हैं। और जो चार्ज है उससे आपको पूरे आयन पर इस तरह से शो करना चाहिए, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन। और अगर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसमें दो से ज्यादा एटम्स हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें उसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, पता होना चाहिए इनफैक्ट हमें, और हमें सीखना भी होगा काफी चीजों के एग्जाम्पल के बाद में, काफी एटम्स के मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल्स के बाद में वो चीज हमें सीखना होगी। जैसे मल्टीपल एटम्स के लिए हम देखें एक एग्जाम्पल CO3 2 नेगेटिव का, तो CO3 2 नेगेटिव का अगर हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो किस तरह से होगा, आप देखिए। पहले ऑक्सीजन को लीजिए, यहां पर ऑक्सीजन को यहां पर लीजिए, एक ऑक्सीजन यहां लीजिए। अब हम ऑक्सीजन के, हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, और एक बात आपको यहां यह भी पता है कि वी हैव 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां पर किस तरह से सेट करना होगा, आप बॉन्डिंग देखिए। अगर एक बॉन्ड बना दिया जाता है यहां पर, तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, तो कोशिश यह रहेगी कि ऑक्सीजन के ऑक्टेट पूरा करें हम। सबसे पहले एक बॉन्ड यहां बना दिया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इस कार्बन के पास ऑलरेडी 2 बॉन्ड हो गए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, और इस ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर हम अगर 2 बॉन्ड बना देते तो इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, क्योंकि 4 बॉन्ड अगर कार्बन फॉर्म कर लेता है तो उसके पास 4 पेयर, दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, टोटल 4 पेयर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसका स्ट्रक्चर बड़ा आसानी समझ में आ रहा है, 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो उसके लिए कोई रूल मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, बस कोशिश करना है कि वो इस तरह से जमता चला जाए, और फाइनली आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद पता चल जाएगा किस तरह से फॉर्मेशन करना है। तो इसके लिए रूल्स को राइट आउट करके, मेमोराइज करके लिखने की जरूरत नहीं है, कोई वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, बस ऑक्टेट फुलफिल करना है, इस बात का ध्यान रखना है, और हम कुछ और एग्जाम्पल जब देखेंगे आगे तो उससे हमें और बातें समझ में आ जाएगी। तो आगे देखते हैं हम, लेविस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं फॉर्मल चार्ज क्या होता है, और इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं NO2 नेगेटिव का। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक बात ध्यान रखना चाहिए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में जो नाइट्रोजन है लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, और ऑक्सीजन जो है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम है, तो हमेशा लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव को हम सेंटर पर लेते हैं और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव को बाहर लेते हैं। अब आप ऑक्सीजन के 6 एटम्स को देखिए, ऑक्सीजन के 6 एटम्स को पहले अरेंज करने की कोशिश करिए किस तरह से होते हैं। अगर मैं एक साइड 2 बॉन्ड बना देता हूं तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और अब इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था यह हम जानते हैं, और वो कहां होगा यह भी हमें फाइंड करना होगा। अब आप देखिए अगर मैं सिंगल बॉन्ड बना देता हूं यहां पर तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। नाइट्रोजन को देखिए आप, नाइट्रोजन के यहां 2 2 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नाइट्रोजन के आउट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप देख सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन के पास, तो 2 यहां पर है, 1 1 1 यहां था, और 1 1 की शेयरिंग इधर हो गई, 2 की शेयरिंग इधर हो गई, तो टोटल यह 3 बॉन्ड हो जाएंगे नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन के लिए 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, टोटल 4 पेयर हो गई, तो ऑक्टेट पूरा हो गया नाइट्रोजन का, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन अगर हम यहां फॉर्मल चार्ज देखने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच ऑफ द एटम, तो फॉर्मल चार्ज के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मल चार्ज का सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल ऑफ न्यूट्रल एटम माइनस माइनस
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, माइनस हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी एक एटम के लिए एप्लीकेबल है यह फॉर्मूला, अगर हम सभी एटम पर एक एक करके अप्लाई करें तो देखिए क्या होगा। नाइट्रोजन के लिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल ऑफ न्यूट्रल एटम नाइट्रोजन के लिए हो जाएंगे 5, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर लोन पेयर में टोटल लोन पेयर एक ही है लेकिन उसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2, माइनस हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कितने हैं आप देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो 6 हो जाएगा, यहां पर 6/2 हो जाएगा 3, तो 5 - 2 - 3 दैट इज 0, तो नाइट्रोजन पे जो चार्ज है वह 0 होगा। इस ऑक्सीजन आइटम पर देखिए आप, ऑक्सीजन आइटम पहला वाला ऑक्सीजन आइटम देखिए, इस पर यह फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये मैंने फॉर नाइट्रोजन आइटम अप्लाई किया, दिस इज फॉर ऑक्सीजन द फर्स्ट ऑक्सीजन आइटम, दिस इज द फर्स्ट ऑक्सीजन आइटम, दिस इज सेकंड ऑक्सीजन आइटम, सपोज दिस इज ऑक्सीजन आइटम नंबर 1। टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में जिसकी हम बात करें, टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ न्यूट्रल एटम दैट इज 6, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर में आप देख रहे हैं 2 लोन पेयर है यहां पर तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, देर आर 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4, तो 4/2 हो जाएगा 2, 6 - 4 - 2 दैट इज 0, इस ऑक्सीजन पे 0 चार्ज है। और इस ऑक्सीजन को देखिए, इस ऑक्सीजन को फिर से ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन आइटम नंबर 2 को देखिए, फॉर ऑक्सीजन आइटम नंबर 2 यहां पर देर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो 6, माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज 2, सो 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6, माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा -1, तो इस पर चार्ज हो गया ऑब्वियसली -1, तो यहां पर सीधी बात है इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से। हालांकि ये सब जितना मुश्किल लग रहा है उतना आसान है, बहुत आसान है सब कुछ बनाना। अगर आप देखें तो इस ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है, खुद के इलेक्ट्रॉन अपने पास है और एक बॉन्ड भी मिल गया, एक बॉन्ड मिल गया इसका मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं से आया है, ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा है तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7, 7 में से एक बॉन्डिंग कर ली तो 8 हो जाएंगे टोटल, बाकी 6 तो अपने है ही। तो इस तरह से आप देखिए तो बड़ी आसानी से बिना कोई इस सब कैलकुलेशन के बता सकते हैं कि कहां क्या होगा, और स्ट्रक्चर बनाना वाकई एक इंटेलिजेंट वर्क है जिसके लिए कोई फॉर्मूला, कोई टेक्निक, कोई मेथड मेमोराइज करने की जरूरत नहीं होती है। लेविस स्ट्रक्चर बहुत आसान भी है और पूरी तरह से एक इंटेलेक्चुअल वर्क है, लेकिन हम आगे जाके अच्छे से देखेंगे कि ऑक्टेट रूल पहला रूल है लेकिन आखिरी रूल नहीं है। हमें एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को समझने में और बहुत से रूल्स सीखने पड़े, नए रूल्स डेवलप करने पड़े और उन्हें हम देखते हैं, उन थ्योरीज को देखते हैं, नई नई थ्योरीज देखने को मिली। तो उसके पहले हम लिमिटेशन देखेंगे जरूर ऑक्टेट रूल की, लिमिटेशन आखिर क्या क्या है। तो ऑक्टेट रूल की अपनी लिमिटेशन है, सारी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, ऑब्वियसली कोई भी रूल ऐसा नहीं कर सकता, खासकर केमिस्ट्री में तो बिल्कुल भी नहीं जो सारी बातों को एक्सप्लेन कर सके। तो कुछ बातें आसानी से देख सकते हैं हम, इनकंप्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम देख सकते हैं आप, कुछ स्ट्रक्चर जैसे BCl3, यहां बोरॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और Cl के 3 इलेक्ट्रॉन्स के अगर कॉम्बिनेशन हो भी जाते हैं तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो इस तरह से इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और भी एटम्स हैं BS2 एंड सो BF2 एक्सेट्रा, यहां देखें तो यह हमारा स्ट्रक्चर NO डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O या NO2 को एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑड इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल
odd electrons in total cannot be explained. That's true, obviously we cannot explain this with the help of octet rule. इसके अलावा मैं कह सकता हूं कि मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स के स्ट्रक्चर देखें, मोर देन ऑक्टेट, मोर देन ऑक्टेट में आप देखें SF6 सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन फ्लोरीन से अगर इस तरह से बॉन्डिंग होती है तो आप देखें कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे क्योंकि 6 बॉन्ड हो गए, तो सल्फर के पास 6 बॉन्ड हो जाएंगे, क्यों होंगे यह हम आगे सीखेंगे, क्योंकि इसे ऑक्टेट रूल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए हमने नई थ्योरीज के बेसिस पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो ऑक्टेट रूल है वह नोबल गैसेस पर बेस्ड है और नोबल गैसेस खुद ही रिएक्शन कर लेती है, जैसे XeF2 बन जाता है, XeF4 बनता है, तो नोबल गैस तो खुद ही रिएक्शन कर लेती है, तो फिर ऑक्टेट रूल उनका खुद का जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसी के बाद इट गिव्स नो आइडिया अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स इन यू कैन से। ऑल्सो इट हैज नो आइडिया अबाउट द एनर्जी गिवन, लॉस्ट और स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में जो एनर्जी लॉस्ट होती है उसको गिवन होती है, तो वह एनर्जी कैलकुलेशन उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता, तो हम लिख सकते हैं नो आइडिया अबाउट। आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, केवल आपको समझना है इन बातों को, एनर्जी चेंजेस और स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेबिलिटी जो है वो एनर्जी चेंज पर डिपेंड करती है। तो आगे देखते हैं लेटेस्ट थ्योरी में क्या है। आयोनिक बॉन्ड्स, इसे हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं और काफी इंटरेस्टिंग है, आसान भी लगता है समझने में, तो इसके दूसरे वर्ड्स में हम इसे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्यों कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, यह समझना बड़ा आसान है, क्योंकि अगर हम सोडियम क्लोराइड को देखें तो यहां सोडियम प्लस आयन होता है, Cl नेगेटिव आयन होता है, इट इज अ कैटायन, इट इज अ एनियन, और सोडियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन ने अडॉप्ट कर लिया है, तो इन दोनों के बीच में आप एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की तरह अट्रैक्शन है, और इसलिए आप ये जो बॉन्डिंग है वो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग है। लेकिन सोडियम क्लोराइड सिर्फ एक सिंपल एटम नहीं होता, इस तरह से एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, इट इज अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और यही बात हमें यहां पर अच्छे से समझना है कि आखिर आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो क्रिस्टल में किस तरह से होते हैं, और आयनिक कंपाउंड के लिए क्रिस्टल फॉर्मेशन क्यों इतना जरूरी है। तो उसके पहले हम एक छोटी सी बात समझते हैं, अगर हम फिजिक्स जो क्लास 12 में पढ़ते हैं, हालांकि यदि आपने नहीं पढ़ा है, कभी भी नहीं पढ़ा होगा, तो भी मैं आपको थोड़ी सी बात समझा सकता हूं। एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों में अट्रैक्शन होता है, और जब दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होती है और वह इन फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होती है। तो सिस्टम में जितने पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस का अरेंजमेंट है वह बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो एक निगेटिव के आसपास अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो सिस्टम की एनर्जी जो है फर्दर रिड्यूस होगी, पोटेंशियल एनर्जी फर्दर रिड्यूस होगी, और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वर्क पावर एनर्जी वाले प्रिंसिपल चैप्टर में। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए जब भी अट्रैक्शन फोर्स के कारण दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास आते हैं तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होगी, और वह एनर्जी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी, और अगर दोनों एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगे, कोलाइड होंगे, तो वह हीट के फॉर्म में इवॉल्व भी होगी। तो आयनिक बॉन्ड जब फॉर्म होते हैं तो इस तरह से क्रिस्टलाइजेशन होता है, उसका क्रिस्टल बनता है। आखिर क्या जरूरत है इसको समझना चाहिए हमें। आयनिक बॉन्ड जब भी फॉर्म होता है तो जो एक एटम होता है गैसेस फॉर्म में होता है, और यदि हम एक एटम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गैसेस फॉर्म में जो एटम होता है वह अगर कैटायन बनाता है, वो गैसेस फॉर्म में है, कैटायन बनाता है तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है,
इसे कहते हैं आयोनाइजेशन, इसे हम आयोनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। एंड इट रिक्वायर्स एनर्जी, आयोनाइजेशन रिक्वायर्स द एनर्जी दैट वी कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन अभी बार बार हमें जरूरत पड़ रही है इसको समझने की। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वह हमेशा पॉजिटिव होती है और इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इस बात को हमेशा समझना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन अगर वहां से रिलीज कराना है तो आप एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन को दूर ले जा रहे हैं। सो यू नीड टू डू वर्क, क्योंकि हमने पहले ही देखा था जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होती है। तो आपको अगर दूर ले जाना है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। इसका मतलब एक्सटर्नल जो सिस्टम है, एक्सटर्नल जो ऑब्जेक्ट है, एक्सटर्नल एजेंसी जिसे कहा जाता है इन टर्म्स, तो उसे वर्क करना होगा। तो एक्सटर्नली अगर आप एनर्जी सप्लाई करेंगे तो आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन प्रोसेस में एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होती है, इसे आप एंडोथर्मिक कहते हैं। तो इसे आप इन शॉर्ट एंडोथर्मिक कहते हैं। एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव होता है, एंथैल्पी चेंज जो होता है पॉजिटिव होता है, दैट इज क्लियर। तो मैं यहां लिख देता हूं, इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक।